हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर चारू। आज हम बनाएंगे सबवे सैंडविच, इट्स आल्सो नोन एज फुट लॉन्ग सैंडविच। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इजीली घर में भी बनाया जा सकता है। हम रेस्टोरेंट से सबवे सैंडविचेस तो खरीदते ही हैं, बट क्या आपको पता है कि ये घर में भी इजीली बनाया जा सकता है और ऑब्वियसली घर में बनाया हुआ ज्यादा हेल्दी होता है। आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं या मीट या चिकन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आज बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सबवे सैंडविच। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए ये सबवे सैंडविच। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर, इसको कैप्सिकम भी कहते हैं, और साथ में है टोमेटो, अनियन और लेटस। लेटस हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, और सॉसेस में हम यूज करेंगे ड्रेसिंग, ये है ऑलिव ऑयल मेयोनीज, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली फ्लेक्स, और ये अमूल के चीज स्लाइसेस हैं, और साथ में अमूल बटर भी है। एंड ऑफ कोर्स सबवे सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए फुट लॉन्ग ब्रेड, जो मैंने प्लेट पे रखी है, और उसके साथ मैंने एक बाउल में लिया है चीज जो हम ग्रेट करेंगे वेजिटेबल्स के ऊपर। इफ यू वांट यू कैन यूज ऑलिव्स एंड यालापीनोज या आपकी जो भी फेवरेट वेजिटेबल हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसको गैस पर रखेंगे, और हम कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज करना है हमने वेजीज को कुक करने के लिए, तो मैंने ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है और मैं इसको पैन में स्प्रेड कर दूंगी। ये जो सबवे सैंडविच है ये बच्चों और यंगस्टर्स को बहुत पसंद आता है, और हमारे घर में भी आज नॉर्मल डिनर बना था, बट मेरी भाभी और मैंने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट खाते हैं, तो हम दोनों मिलकर ही बना रहे हैं ये सबवे सैंडविच। अब इसमें हम अपनी कटी हुई वेजीज ऐड कर देंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या वेजीज ली हैं, आप और भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं, या आई टोल्ड यू इफ यू वॉन्ट टू हैव इट विथ चिकन और मीट देन यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। तो मैंने पहले डाला है येलो बेल पेपर, अनियंस, टमाटो, रेड बेल पेपर एंड देन ग्रीन बेल पेपर। इसको मैं बहुत हल्का सा फ्राई करूंगी, फ्लेम भी मीडियम में है, हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। ऑयल और वेजीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टाइम है स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करने का। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं, हमने थोड़ा ज्यादा रेड चिली फ्लेक्स डाला है। उसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद हमने डालना है काली मिर्च, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पाउडर है ये, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ब्लैक पेपर ऐड करने से। अब मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को। अभी फ्लेम बिल्कुल लो पर है, we want all the spices and sauces to mix well with the veggies. अब हम डालेंगे red chili sauce. आप measurement अपने हिसाब से ही डालिएगा, आपको कैसा चाहिए, spicy चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा red chili sauce, अगर spicy नहीं चाहिए तो थोड़ा कम red chili sauce. उसके बाद हम add करेंगे soya sauce. सोया सॉस ऐड करने से सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो जब आप नॉर्मल वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे कीप इट इन माइंड कि सोया सॉस से भी थोड़ा सा हमें नमक का टेस्ट आएगा।
तो अगर हमने सॉल्ट ज़्यादा डाला तो टेस्ट जो सॉल्ट का है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, सो हमें बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को। नाउ मिक्स इट वेल एंड लेट इट कुक फॉर 2 मिनट्स। अब वेजीज में डालना है चीज, तो मैं चीज ग्रेट कर रही हूँ। हम तो जेनरसली चीज़ डालते हैं, इनफैक्ट जब हम बाहर रेस्टोरेंट से भी कभी पिज्ज़ा बर्गर या सबवे सैंडविच मंगवाते हैं तो वी स्पेशली आस्क फॉर एक्स्ट्रा चीज़। तो जब हम खुद घर में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर तो हम ज़्यादा ही डालेंगे। अगर आप कम डालना चाहें तो डालिए, बट ट्रस्ट मी ज़्यादा चीज़ डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ का पैकेट है तो आप उसमें से सीधे डाल सकते हैं। मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ चीज़ दैट आई एम ग्रेटिंग। Now please don't judge me on my eating habits कि मैं हेल्दी नहीं खाती। ये वंस इन अ वाइल वाला खाना है, तो इसलिए जब हम वंस इन अ वाइल खा रहे हैं तो सारी चीज़ें जेनरसली डाल रहे हैं। रोज़ नहीं खाती हूँ ऐसा खाना। Because we are adding a lot of cheese slices and mayonnaise along with dressing, इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा डालूँ। अब हम फुट लॉन्ग ब्रेड लेंगे और उसको बीच में से काटेंगे। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली स्लिट करेंगे फुट लॉन्ग ब्रेड को। और अब सारी वेजिटेबल्स भी पक चुकी हैं, तो अब हम फिर से चीज ग्रेट करेंगे, या फिर अगर आपके पास मोज़रेला चीज है तो वो डाल देंगे ऊपर से। हमने वेजिटेबल्स को ऐसे पकाया है कि वो हल्की पकी भी हैं और क्रंची भी हैं। प्लस यू विल गेट टू फील ऑल द जूसेस ऑफ दीज वेजीज। अब हम ब्रेड पे थोड़ा सा बटर लगा के उसको गरम कर लेंगे। आप कोई भी पैन या तवा यूज कर सकते हैं। तो नीचे की साइड से पहले मैंने बटर लगाया है और फिर ऊपर की साइड से भी बटर लगाएंगे। बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लें, उसके लिए आप नाइफ यूज कर सकते हैं या स्पून भी यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद स्पैटुला से उसको थोड़ा सा दबा के अच्छे से गर्म कर लें। याद रहे कि फ्लेम स्लो पे ही रखनी है, हमें सिर्फ ब्रेड को गर्म करना है और उस पे बटर को मेल्ट करना है। ये ब्रेड भी काफ़ी फ्रेश है, यहाँ बंगाली मार्केट से मैंने ली थी। और इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था, दिल्ली फूड ब्लॉग, स्ट्रीट फूड फूड ब्लॉग, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बंगाली मार्केट मेंशन किया था और वो मार्केट दिखाई थी, सो आई एम श्योर यू लाइक इट। सो अब फुट लॉन्ग ब्रेड गर्म हो चुकी है, अब हम फिर से इसमें बटर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम बटर को, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे। जस्ट लाइक दिस। पहले मेयोनीज स्क्वीज कर लेंगे, उसके बाद नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब नाइफ से हम इसको इवनली ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। Now we'll turn over the bread और हम इसमें लगाएंगे ड्रेसिंग। मेयोनीज लगा ली, अब नेक्स्ट स्टेप है ड्रेसिंग लगाना। So you can see कि मैं ड्रेसिंग स्क्वीज कर रही हूँ और फिर दोबारा से मेयोनीज की तरह मैं नाइफ से उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी। नेक्स्ट हम चीज के 2 स्लाइसेस लेंगे और उनको वर्टिकली स्लाइस कर देंगे। सो वी विल हैव 4 पीसेस ऑफ चीज। उसके बाद हमने इनको अच्छे से स्प्रेड करना है फुट लॉन्ग ब्रेड के अंदर, जस्ट लाइक दिस।
So you can see that my wedge sub sandwich is loaded with mayonnaise, dressing and cheese. उसके बाद हम डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने ऑलिव ऑयल और चीज के साथ कुक किए थे। बहुत हल्के हाथ से सब कुछ करना है। वी डोंट वॉन्ट द ब्रेड टू ब्रेक, वी डोंट वॉन्ट द वेजिटेबल्स टू फॉल आउट, सो ध्यान से करिएगा। अब लगाते हैं फाइनल कोट ऑफ मेयोनीज। मुझे तो लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी रियली यम्मी। आई होप आपको भी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अब नाइफ से मेयोनीज को हल्के से स्प्रेड कर देंगे वेजीज के ऊपर। एंड नाउ वील क्लोज द ब्रेड। बहुत ध्यान से करना है, नाइफ के हेल्प से इवनली सब कुछ ब्रेड के अंदर हमें फिक्स करना है ताकि जब हम खाएं वो सब चीजें बाहर ना गिरें। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। तो रेडी है हमारा वेज सब सैंडविच। इसको मैंने गार्निश किया है क्रंची लेटस के साथ। आप कुछ और वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, बट ट्रस्ट मी, लेटस, मेयोनीज, चीज, वेजीज और ब्रेड का जो कॉम्बिनेशन है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। एंड वी हैड अ रियली यमी डिनर दैट डे। थैंक यू भाभी for helping me out with this. We both had lots of fun making it. I hope aapko bhi ye pasand aaya hoga. Agar pasand aayi ye recipe to like karna mat bhuliyega and don't forget to subscribe to my channel. Stay happy, stay blessed and keep smiling.